जनपद फरीदाबाद के जिला आबकारी अधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन पर आबकारी निरीक्षकों द्वारा आज फरीदाबाद के शिकोहाबाद की ग्यारह कॉलोनी में दबिश दी गई। दबिश के दौरान 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और 220 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट किया गया। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और सुसंगत धाराओं में दो अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। आज जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षकों की टीम, जिसमें आबकारी निरीक्षक क्षेत्र एक, क्षेत्र दो, क्षेत्र तीन व क्षेत्र चार की संयुक्त टीम द्वारा सिकोहाबाद की गिहार कॉलोनी में अचानक दबिश डाली गई। दबिश के दौरान झोले में 50 से ज़्यादा अवैध कच्ची शराब के पाउचों के साथ एक महिला को पकड़ा गया तथा उसके घर की तलाशी और बाथरूम की ऊपरी तलहटी पे तलाशी लेने पे करीब 150 पाउच प्लास्टिक की बोरियों में मिले। इस प्रकार कुल 30 लीटर कच्ची शराब बरामद करते उस महिला को गिरफ्तार किया गया। गिहार कॉलोनी के अन्य मकानों पर और जगहों पर दबिश डालते हुए एक खोजबीन की गई, जिसमें अवैध रूप से 70 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई व पाउचों में भरी हुई शराब थी जो, तथा 200 kg लहन डब्बों में बरामद हुई। कुछ गड़े हुए थे, कुछ निकल गए घर से, जिसको मौके पर नष्ट करके नाली में बहा दिया गया। इस प्रकार कुल दो अभियोग पंजीकृत किए। ये पूरी कवायद आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब के विनिर्माण को समूल नष्ट करने एवं तस्करी को रोकने के उद्देश्य से किया गया है, जो लगातार चुनाव की समाप्ति तक जारी रहेगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है? और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA न्यूज ऐप डाउनलोड कीजिए।